अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं आपकी होस्ट शाहीन। अल्लाह पाक के फजल करम और आप सबकी दुआओं से, मेरे रब के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी अमान में रखे। जी जनाब, मैं समझ नहीं आ रही कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। मेरे अल्लाह का करम हुआ है, मेरे रब का करम हुआ है, करम खास हुआ है, आप सबकी दुआएं हुई हैं, आप सबका साथ हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई एम सो हैप्पी। आज मेरे रब ने करम किया और हमारे सब्सक्राइबर आप सब के साथ की वजह से, आपके प्यार, आपकी मोहब्बतों की वजह से, आपके साथ की वजह से आज हमारे 1 किलो सब कंप्लीटेड। टन टन टन, तो आज हमारे 1 किलो सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, मतलब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए माशाल्लाह से। तो ऐसे ही हमने आगे चलना है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कामयाबी की राह पे ऐसे ही गामजन रखे, अल्लाह ताला आने वाले वक्त को भी हमारे लिए आसानियां पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपने प्यारों के सदके अल्लाह ताला अपना खसूसी फजलो करम करे। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पहले आपको एक जुमला सुनाना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरत, जो कि हर वक्त मेरी जुबान पर रहता है, वैसे दिनों में भी रहता है। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं है। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं है। ये तो करम बोलो, ये तो करम है, उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बेशक, जो दिया है मेरे रब ने दिया है, ये सब मेरे अल्लाह की करम नवाजियां हैं, मेरे अल्लाह की नवाजशें हैं, इनायतें हैं। अल्लाह पाक तेरा लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं। आप सब साथियों का बहुत 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 शुक्रिया कि आप सब के साथ की वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इस सफ़र को आगे लेके चलना है, अभी हमें वॉच टाइम भी कंप्लीट करना है और अभी हमें चलते 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 इस चैनल को कहाँ के कहाँ लेके जाना है। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। जी साथियों, हमारे आज 1 किलो सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में सेलिब्रेशन। ठीक, तो इस सेलिब्रेशन में आज कुछ मीठा हो जाए। सबने कहा, घर वालों ने कहा कि मीठा हो जाना चाहिए, तो मीठे में क्या होना चाहिए। तो मीठे में मैंने सोचा आज हम जबरदस्त किस्म का जर्दा बनाते हैं। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज जर्दा हमने कैसी चीजें यूज करके, कितनी चीजें, कितने इंग्रेडिएंट्स और कैसे कैसे तरीके से हमने जर्दा बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि आज की रेसिपी कैसे स्टार्ट होती है। लेट्स सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी साथियों, चलिए तो एक रंग बिरंगा सा हम मज़ेदार किस्म का यमी जर्दा बनाने लगे हैं। तो जर्दा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले 2 कप चावल मैंने भिगो दिए हैं, तकरीबन आधा घंटा पहले, कम से कम आधा घंटा पहले इन्हें भीगना चाहिए, वो मैंने भिगो दिए हैं। उसके साथ मुझे चाहिए थोड़ी सी चीनी, 2 कप चावलों के लिए तकरीबन 1/2 कप मैं चीनी लूँगी। इट्स अप टू यू, आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं या कम मीठा पसंद करते हैं, ठीक है। उसके साथ मुझे चाहिए ऑरेंज कलर, ऑरेंज फूड कलर, जर्दा रंग जो होता है ऑब्वियसली, वो मैं आधी 1/2 टीस्पून जो यूज़ करूँगी पानी में, देख लेंगे कलर अगर ज़्यादा डार्क है नहीं है तो वो देख के उस हिसाब से यूज़ करेंगे। 1/2 कप जो है वो मुझे मिल्क चाहिए होगा। दम देते वक्त मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी चावलों में ताकि थोड़े सॉफ्ट बने। उसके साथ मैंने थोड़े से नट्स जो हैं वो काट लिए हैं और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं या कोई चीज़ें वो देखूंगी, अगर मुझे मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो आज ये जर्दा इन बादामों के सर पे उठेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला स्टेप है हमने चावल बॉईल करने, उसके लिए मैंने 4 से 5 कप मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा है। अब इसमें मैंने कुछ थोड़े से मसाले डालने हैं, उनमें क्या करना है, एक ये साबुत, ये फूल जो है हमारा गर्म मसाले में आता है बादियान का फूल, ये हमने इसमें डाल दिया। 2-4
पांच लौंग जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए। बड़ा ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत और देगी स्टाइल का जरदा बनता है इससे। अब मैंने पानी को ढक के रख देना है, बॉयल आने तक इसे उबलने देना है, उसके बाद हम इसमें चावल डाल देंगे। साथियों एक मज़ेदार बात बताऊं, मैं अपने नियामत खाने में गई हूं और मैंने अपनी पिटारियां खोली हैं तो मुझे मिल गए हैं ड्राई फ्रूट। क्या मिल गए हैं मुझे? काजू भी मिल गए हैं, मुझे अखरोट भी मिल गए हैं और मुझे किशमिश भी मिल गई है। बादाम तो ऑलरेडी आपके सामने ही था, मिला था। अब हमारा जर्दा बहुत ही रंग बिरंगा बनने वाला है, तो आप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, पूरी वीडियो देखें, देखें आज क्या धमाका होने वाला है। जी व्यूअर्स, हमारा पानी जो है बॉयल होने पर आ गया है, बॉयल होना शुरू हो गया है, तो मैं एक चुटकी जो है वो इसमें नमक भी डालूंगी। अब इसमें मैं राइस डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी, जब मैंने चावल डाले हैं तो अब इनके साथ मैंने हाफ टी स्पून मैंने इसमें जर्दा रंग डाल दिया है, ठीक है, इसका ऑरेंज कलर जो होता है, ताकि चावलों को कलर ऑरेंज दिया जा सके। अगर इस मुकाम पे आप देखते हैं कि कलर कम है तो थोड़ा सा कलर और डाल दें, जैसा कि मुझे भी लग रहा है कि कलर कम है तो मैं थोड़ा और डाल देती हूँ ताकि फ्रेश सा ऑरेंज कलर चावलों में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, चावल बॉयल होना स्टार्ट हो गए, बस सिर्फ 5 मिनट हमने इसे कुक करना है, 70% इसे डन कर लेना, 30% इसको रहने देना है। सादे लफ्जों में कि 2 कन्नी चावल बॉयल करने, 1 कन्नी चावल रह जाना चाहिए, ठीक। तो हम इसके 2 कन्नी पकने का इंतजार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे चावल जो है तकरीबन डन हो चुके हैं, हम इसे देखते हैं, ये देखें कितने ये लॉन्ग हो गए हैं, इलोंगेटेड फॉर्म में आ गए चावल गल के। तो ये देखिए 1 कन्नी इनमें कसर रह गई है और 2 कन्नी जो है ये डन हो चुके हैं। अब इस मुकाम पे मैंने इसे उतार लेना है और निथार लेना है, पानी से निचोड़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को पानी से मैंने निचोड़ लिया है, अलग कर लिया है। जी पैन को हमने साफ करके दोबारा चढ़ा दी है। अब 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लेना है। वैसे जर्दा घी में बनता है, लेकिन चूंकि मैं घी यूज़ नहीं करती हूँ गले की वजह से, तो बहुत टाइम हुआ है, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है, तो वैसे ये घी में बनता है। देसी घी डालें या दूसरा घी, जो भी बासमती घी डालें, लेकिन मैं ऑयल में बनाती हूँ। तो चूँकि ये हर रेसिपी मैं आपको अपने अंदाज में बताती हूँ, तो इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है ऑयल ले लिया है। अब इसमें चूँकि हमने लौंग जो है वो मैंने चावल बॉईल करते वक्त भी डाल दिए थे, आप चाहें तो इस मुकाम पे भी यहाँ पे ऑयल में भी आप लौंग और इलायची डाल सकते हैं। इलायची मेरे पास नहीं है तो मैं इलायची पाउडर डालूंगी, और लौंग जो है वो मैंने उधर डाल दिए थे, एक अद मैं इधर भी डाल देती हूँ। जी 2-3 लौंग जो है ये ऑयल में डाल दिए हैं, जैसे ये कड़कड़ा जाए तो मैंने इसमें दूध डाल देना है। ऑयल गर्म हो गए, अब मैं इसमें 1/2 कप के बराबर दूध डाल देती हूँ। जी मैंने 1/2 कप ऑयल डाल दिया है, क्योंकि मेरे चावल सिर्फ 2 कप हैं। 1/2 कप दूध मैंने डाल दिया, अब इसमें मैं चीनी डालती हूँ। 1/2 कप के बराबर मैंने इसमें शुगर डाल देनी है। जब ये दूध में चीनी गल जाए तो फिर उसके बाद हम चावल डालेंगे। जी इसमें चीनी मैंने डाल दी है, जब चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, इसके अंदर दूध के अंदर गल जाए, अच्छा सा इसका अमेजा बन जाए, तो उस वक्त मैंने इसमें जो नट्स रखे हैं वो डाल देती हूँ, ठीक। थोड़े से मैंने इसमें 1/2 से 1 टेबल स्पून बादाम डाल देने हैं, 1 टेबल स्पून मैंने जो अखरोट रखे हैं वो डाल देने हैं, 1 टेबल स्पून जो मैंने किशमिश रखी है वो डाल देनी है, ठीक, और 1 टेबल स्पून मैंने काजू डाल देने हैं इसमें। ओके जनाब, अब जब ये बॉयल हो जाएगा तो मैं इस पर फिर डाल दूँगी चावल, फिर चावल हम इसमें बना लेंगे, पका लेंगे। जी हमारा जो कॉम्बिनेशन, इसका मिक्सचर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अब इस टाइम पे मैं चावल डाल देती हूँ इसमें सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें मिक्स कर लें, हल्के हाथों से इन्हें मिक्स कर लेते हैं, ताकि वो चीनी का शीरा जो है वो ऊपर नीचे चावल उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और चीनी में सारा शीरे में जो है चावल जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए और चीनी का जायका जो है सब चावलों में आ जाए। हल्के हाथों से देखिए चावल टूटे नहीं। जी अब हमने दम लगाना है इसे।
जी जनाब, अब मैं दम देने लगी हूँ। दम देने के टाइम मैंने जो टूटी फ्रूटी घर में बनाई थी, जो अशरफियाँ कहलाती हैं, ये टूटी फ्रूटीज घर में बनाई थी, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस टाइम पे आप, मैं थोड़ी सी अशरफियाँ जो है रेड और येलो और ऑरेंज, रेड और ग्रीन, ठीक, ये मैं इस पर डाल देती हूँ। थोड़े से मैं इस पर नट्स डाल देती हूँ, सारे ड्राई फ्रूट जो मैंने रखे थे उनमें से थोड़े थोड़े भी डाल देंगे, थोड़े से बाहर जब हम डिश आउट करेंगे तो उस वक्त डाल देंगे, ठीक। ये डाल देने हैं 1 से 2 कतरे केवड़ा केवड़ा एसेंस जो होता है ना, ये देखिए, बस ज़्यादा फिर खुशबू आ जाती है, बहुत मस्त हो जाता है। ये डाल देना है और एक मज़ेदार चीज़ नाजरी, मेरे पास मिठाई के जो गुलाब जामुन और रसगुल्ले थे वो मैंने मंगा के रखे हुए हैं, वैसे ही मैं स्वीट डिशेज में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो इनको मैंने कट कर लेना है छोटे पीसेस में, यूं करके रसगुल्लों को भी और गुलाबों को भी, गुलाबों को, गुलाब जामुनों को, ये तो गुलाब है ना पूरे, ये खाने पर तो गुलाबों की सी इसकी वैल्यू है, बहुत डेकोरेशन में बहुत काम आते हैं, खाने में बहुत टेम्पटिंग लुक देते हैं ये, तो ये मैंने काट लिए हैं, ठीक। तो अब मैंने जी, ये दम के टाइम मैंने इनको भी साथ डाल देना है, ओके। तो कुछ थोड़े से पीसेस जो है मैंने वो रख दिए हैं गार्निशिंग के लिए, तो मैं ये दम पे लगा देती हूँ इसे। दम आ चुका है, मैं खोलती हूँ इसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जरदा हमारा जो है वो रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, मैं इसे डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाह साथियों, जरदा हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने जो सामान जो है थोड़ा थोड़ा बाकी बचा के रखा था, इससे मैं इसकी गार्निशिंग कर लेती हूँ, ठीक। थोड़े से मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिए हैं एलमंड, थोड़े से काजू, थोड़ा किशमिश, थोड़े से अखरोट, ठीक, थोड़ा सा इसमें चला जाएगा गुलाब जामुन, चले जाएंगे इसमें 1-2 पीस रसगुल्ले के ये, और थोड़ी सी रंग बिरंगी सी टूटी फ्रूटी, ये तो रंग बिरंगा सा जर्दा हमारा गया हो तैयार, तो मजे लेके खाइए और जल्दी से उठें अपने लिए, आप भी बना लीजिए। वेलकम बैक टू माय चैनल और टू योर होस्ट। तो आपने देखा आज का जरदा जबरदस्त आउट क्लास किस्म का, बहुत ही मजेदार, रंग बिरंगा सा, कलरफुल और बहुत आसान तरीके से, आसान तरीके से ऐसे कि बेसिकली थोड़ा सा मैंने इस रेसिपी को ट्विस्ट किया है, और जितने भी बिगिनर्स हैं, स्पेशली मेरी बच्चियां और मेरी बहनें जिन्होंने किचन को अब आके प्रैक्टिकल लाइफ में गए हैं, तो उन्होंने जाके किचन संभालने की ट्राई मारी है, तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी इसलिए है कि वरना वो चाशनी बनाते हैं, चाशनी में चावलों को मिक्स किया जाता है, उसके बाद फिर दम करते हैं, तब दम के टाइम थोड़ा सा ऊपर से दूध जो है हमने ऐड करना होता है, तो इतनी कॉम्प्लिकेशन को ईजी करके हमने कहा सीधा साथ ही दूध भी डाल दो, चीनी भी डाल दो, घी भी डाल दो, और उसके बाद हमने चावल डाले, मिक्स किया और जर्दा बन गया। तो थोड़ा सा चीज़ों को ट्विस्ट करके कोशिश की कि थोड़ा ईजी तरीके से आप तक रेसिपी को पहुँचाया जाए। हमारी आज की डिश आपको कैसी लगी है, इतनी ज़बरदस्त और रंग बिरंगी सी, और जो टूटी बार बार मैं जिक्र करती हूँ, यम जबरदस्त, मुझे तो कलरफुल चीजें बड़ी अपील करती हैं, रंग बिरंगी सी, शौक सी, तो मैं तो बहुत लाइवली सा पर्सन हूँ, तो मुझे ये चीजें अच्छी लगती हैं, पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगती है नहीं, अगर आपको अच्छी लगती हैं
और खानों में भी ऐसा रंग जो है, रंग बिरंगी से खाने जो है आपको, टेम्पटिक किस्म के खाने, कलरफुल किस्म के खाने आपको पसंद है, तो आज की वीडियो में नीचे आप कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइए कि आपको कैसे खाने पसंद है, फीके रंगों वाले या रंग बिरंगे से शौक से चंचल से जबरदस्त किस्म के, आंखों को अपील करने वाले, दिल को भा जाने वाले और मेदे के अंदर चुलबुल करने वाले कि जल्दी से मुझे खा लिया जाए। तो मुझे भी जरदा जो है इनवाइट कर रहा है कि जल्दी बीबी आ जाओ, बस करो तुम मुझे सजा के यहाँ रख दे, और खुद गई बीबी रिकॉर्डिंग पे बैठ गई हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी बातें खत्म करती हूँ और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक एक जरूर बनता है, आपकी मेहरबानी होगी। और आखिर में एक बार फिर कहूंगी सबको, बहुत तमाम यूट्यूबर साथियों को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आज की कामयाबी आप सब की बदौलत है, तो ये सेलिब्रेशन आप सब के लिए है। तो आज की सेलिब्रेशन विद रंग बिरंगा जरदा, वाओ। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, आपके साथ की हमेशा से जरूरत रही है और हमेशा से जरूरत रहेगी। हमारा चैनल है, इस चैनल को हमारे साथ के बिना आगे जाना मुमकिन नहीं है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, जाते जाते अल्लाह हाफिज़।